ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से मिलने वाला बथुआ का साग बहुत ही कारगर और लाभकारी है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये यूं ही फसलों में उपज जाते हैं, जिसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग तोड़कर इसे बखूबी काफ़ी टेस्टी साग के रूप में ग्रहण भी करते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि ये कितने कारगर औषधि के रूप में भी कार्य करता है। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर शंभु शरण बताते हैं कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय, जो अन्न पान विषयक अध्याय है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष नाशक मतलब आयुर्वेद में तीन कैटेगरी में बीमारियों को बांटा गया है। यह हर बीमारी में लाभकारी बथुआ का साग होता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि यह कब्जियत को दूर करता है। बथुआ साग की आयुर्वेद में चर्चा की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय, अन्नपान विषयक जो है अध्याय है, उसमें साग वर्ग में जो है सो बथुआ का वर्णन किया गया है। और बथुआ के बारे में मोटा मोटी समझिए कि दो शब्द लिखा हुआ है। पहला शब्द है कि ये त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष नाशक का मतलब है कि ये बहुत ही व्यापक औषधि है। व्यापक औषधि कहने का मतलब हुआ है कि आयुर्वेद के हिसाब से जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं उसमें इसका खाने से लाभ होना ही होना है। कोई भी बीमारी हो, किसी भी बीमारी में इसको, जैसे इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं ना कि इस बीमारी में ये खाना है, इसमें नहीं खाना है, तो आपको बथुआ का साग जो हम लोग किसी भी तरह की बीमारी में जब मन करे तब खा सकते हैं। पहली बात है, इसको त्रिदोष नाशक कहा गया है। दूसरी बात जो है, इसको कहा कि जितनी भी साग होता है आपको, उसमें मैक्सिमम आपको क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करने वाला होता है, माने मल को बांधने वाला होता है। आप साग खा लेंगे रात में तो सुबह में आपको पैखाना उतना साफ नहीं होगा, लेकिन बथुआ एक ऐसा साग है जो आपको मल को बांधता नहीं है, ये आपको क्या करता है, मल को पतला करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको साग भी खाइए और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो, और ये साथ में जैसे मल अवरोधक नहीं हो करके मल निहिसारक है, मीन्स पैखाना को साफ कराने वाला है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। और साथ में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, आयरन को, आपको किसी में अगर पेशेंट एनीमिक है तो उसमें हम लोग बथुआ का साग खिलाएंगे तो उसका ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड जो है सो हीमोग्लोबिन का लेवल, आयरन का लेवल उसमें बढ़ जाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और ये वास्तव में लोग प्रैक्टिकल में देखते भी हैं कि बथुआ का साग आप इसमें खाइएगा तो सवेरे आपको जो पैखाना है बहुत साफ होगा। तो बथुआ का हम लोग उपयोग किसी भी बीमारी में किसी भी क्षण कहीं भी कर सकते हैं, जब अवेलेबल हो इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। और ख़ास करके वैसे बच्चों जो आपको कुपोषण का शिकार है, जहाँ गरीबी ज़्यादा है, बहुत पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को बथुआ का साग जैसे आज के सीजन में भरपूर प्रयोग करना चाहिए ताकि उसको जैसे स्वस्थ और सुरक्षित हम लोग कर सकें।